नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमेश मेवाड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल व्हील टू व्हील में। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो यूज़ करते हैं विंडो 10। और आपने बहुत सी बार देखा होगा, अगर आपके पीसी के अंदर विंडो स्पॉटलाइट फंक्शन आपका ऑन है तो आपने देखा होगा जैसे ही आपका लॉक स्क्रीन पर जैसे ही आपका पीसी या लैपटॉप जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल से जो स्क्रीन सेवर से आपके सामने पॉपअप होके आते हैं। और आप जब भी देखते हैं कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं या फिर उसको गेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बिंग ब्राउज़र पे ले जाके छोड़ देता है। और उसके जैसे ही आपको मल्टीपल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो वॉलपेपर नहीं मिलता जो आपको स्क्रीन सेवर पे पसंद आया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इसी लिए है कि हाउ यू गेट अ विंडो स्पॉटलाइट वॉलपेपर। कि अगर आपको विंडो स्पॉटलाइट का कोई वॉलपेपर पसंद आ जाता है, कोई स्क्रीन सेवर पसंद आ जाता है, तो आप उसको कैसे गेट कर सकते हैं। और एक बार आपने उसको सेव कर लिया तो आपकी मर्जी उसको जहाँ पे भी यूज़ करो, वो डिपेंड्स ऑन यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे मेरे जिन फ्रेंड्स को पता नहीं है विंडो स्पॉटलाइट फीचर ऑन कैसे होता है, मैं उनको फर्स्टली बता देता हूँ कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर राइट क्लिक करिए और पर्सनलाइज पे जाइए। पर्सनलाइज पे जाने के बाद में आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे आप जाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की स्क्रीन ये जो डिस्प्ले पे सामने हो रही, इस तरह की स्क्रीन वहाँ पे आती है और ये रैंडमली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, विंडो की तरफ से, बिंग ब्राउज़र की तरफ से बहुत सारे वॉलपेपर आपके ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं पीसी पे और ये रैंडमली चलते रहते हैं। और इसके लिए वैसे नेट होना ज़रूरी है, इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज और वहाँ पर ये आते भी रहते हैं और रिप्लेस भी होते रहते हैं। तो जिसके एक्टिवेट नहीं है, ये देखिए यहाँ पर तीन फीचर है, पिक्चर का, स्लाइड शो का, ये आप मैन्युअली भी लगा सकते हैं पिक्चर और स्लाइड शो यहाँ पे, और विंडो स्पॉटलाइट रैंडमली इंटरनेट से वॉलपेपर्स डाउनलोड होके रैंडमली आपकी लॉक स्क्रीन पर चलते रहेंगे। तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बता दिया है यहाँ से। अब मैं आपको प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इसको गेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वॉलपेपर्स डाउनलोड कर रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह के ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स हैं इसके अंदर, और भी मल्टीपल वॉलपेपर्स होते हैं, बाकी मैंने कुछ डाउनलोड करे हैं मैंने सैंपल लेने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से यूनिक वॉलपेपर्स होते हैं, यूनिक स्क्रीन सेवर्स होते हैं जो आपको नॉर्मली तो कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको विंडोज़ के थ्रू ही मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल, मतलब इनकी शार्पनेस इतनी अच्छी होती है वॉलपेपर्स की कि आपको वैसे ही बहुत समझ में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेचर वाइज, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स मिले। तो चलते हैं फ्रेंड्स के कौन सा वो पाथ है जिसके थ्रू आप इन वॉलपेपर्स को गेट कर सकते हैं, और आप मर्जी पड़े आप जिसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जाइए अपने माई पीसी के अंदर, विंडो 10 में माई पीसी के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू पे जाइए, और व्यू पे जाने के बाद में फाइल नेम, एक्सटेंशन और हिडन जो आइटम्स हैं इनको आप चेक कर लीजिए, चेक मार्क्स बॉक्स से इनको चेक कर लीजिए ताकि वो अंदर के जो हिडन फोल्डर्स और वो रहेंगे आपको एक्सटेंशन वो दिख जाएंगे। उसके बाद में जो आपके कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव है जिसको हम सी ड्राइव बोलते हैं, उसके अंदर आप एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स, यूज़र नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, यूज़र नाम से फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। और जो आपका जो पीसी का नेम है, जैसे ये मेरा टर्मिनेटर रख रखा है, और जैसे जिसका जो पीसी का नेम होता है जो भी, उस पर आप एंट्री करिए। एंटर करने के बाद में आपको ऐप डाटा के अंदर एंट्री करने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल। लोकल के बाद में फ्रेंड्स, आपको नीचे यहाँ पैकेजेस में जाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको विंडो कंटेंट डिलीवरी मैनेजर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा लोकल स्टेट। लोकल स्टेट के अंदर फ्रेंड्स, एसेट्स के अंदर जाइए, और ये जितने भी साइज वाइज आपको दिख रहे हैं ये विंडो स्पॉटलाइट के वॉलपेपर है। जिनकी साइज बड़ी दिख रही है फ्रेंड्स, उनको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और किसी भी बाहर फोल्डर में कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है विंडो स्पॉटलाइट का, जो भी होते हैं मैं इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ, उनको फिर रिनेम कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे जो भी वॉलपेपर आपको सेलेक्ट करना है उसको रिनेम करिए, और उसको कुछ भी आप नेम असाइन करके पीछे .jpg लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, .jpg लगाते ही वॉलपेपर ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल वॉलपेपर है,
ये देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, रीनेम करा डॉट जे पी जी। ये फ्रेंड्स इस तरह से आप ये वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने ब्यूटीफुल से वॉलपेपर्स हैं, ये पहले आपके इस लॉक स्क्रीन पे आते थे लेकिन अब आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी कॉपी कर सकते हैं पेन ड्राइव में या फिर दूसरे डेस्कटॉप में और आप इन वॉलपेपर्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेस्ट करिए कि मुझे आपको किस तरह की वीडियोज़ और चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।